नमस्कार विद्यार्थियों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भारत के सबसे बड़े कॉमर्स के प्लेटफॉर्म आरपीएससी अड्डा पर गाइज ये सेशन विशेष रूप से हम बना रहे हैं जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं आप सबको पता है कि पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो बहुत ज्यादा थी टारगेट आपको अच्छे खासे इस बार रखने पड़ेंगे क्योंकि ज्यादा टारगेट लेंगे हाई टारगेट लेंगे तो उसी हाई टारगेट से काम आपका चलने वाला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको रखनी ही पड़ेगी तो ये वीडियो हम बना रहे हैं और स्पेशली उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो कि तैयारी अब करना शुरू कर रहे हैं तैयारी तो अब करना शुरू कर रहे हैं तो कहां से तैयारी करें ये सबसे बड़ा प्रश्न जो है वो आ जाता है सर हम अभी से सब्जेक्ट पर फोकस करें या सर हम अभी से जीके पर जीके पर फोकस करें दोनों को कैसे बैलेंस करना है इन सभी के बारे में हम जो है वो यहां पे चर्चा करने जा रहे हैं आइए थोड़ी सी बातों को हम लोग समझते हैं पैटर्न को हम लोग समझते हैं जैसा कि आप सब जानते हैं कि फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर होता है उसमें जो है वो निकल कर आ जाते हैं ना? दो पेपर निकल कर आ जाते हैं उसमें पेपर पहला होता है जो आपका पेपर होता है जीके का और जो पेपर सेकंड होता है वो आपका होता है विषय का होता है वो आपका सब्जेक्ट का होता है है ना पेपर फर्स्ट की अगर हम चर्चा करते हैं तो पेपर फर्स्ट से आपके 75 जो है वो एमसीक्यू आने वाले हैं और पेपर सेकंड से आपके 150 फिफ्टी जो है वो आने वाले हैं है ना 150 फिफ्टी जो है वो आने वाले हैं तो अगर हम लोग देखते हैं कि यहां से अगर 150 फिफ्टी आ रहे हैं और एक एमसीक्यू जो होता है वो यहाँ पे टू मार्क्स का होता है तो देखा जाए तो 300 नंबर आपके यहाँ से आ जाते हैं और 75 मार्क्स है तो यहाँ से टू करते हैं तो 150 मार्क्स आपके यहाँ से आ जाते हैं तो टोटल मिलाकर आपके साढ़े चार नंबर यहाँ पे हो जाते हैं ये आपका एग्ज़ाम का क्राइटेरिया है अच्छी खासी कट ऑफ जो है वो जा रही है मैं कह रहा हूँ तो आपको टारगेट जो है वो 300 प्लस का तो रखना ही पड़ेगा कि किसी भी हालत में 300 आपको पार करने हैं और पिछली बार जो सबसे ज़्यादा कठिनाई हुई थी विद्यार्थियों को वो ये हुई थी कि पहले पेपर में भी आपको मिनिमम चालीस परसेंट जो है वो नंबर लेकर आने ही हैं फोर्टी परसेंट मिनिमम मार्क्स आपको लेकर आने थे और फोर्टी परसेंट स्टूडेंट्स नहीं लेकर आ पाए यहाँ पे फोर्टी परसेंट लाना कुछ मुश्किल बात नहीं है यहाँ आप ला सकते हैं क्योंकि आपका सब्जेक्ट है इन सब्जेक्ट को आपने पढ़ा है है ना अकाउंटेंसी स्टेटिस्टिक्स बिजनेस इकोनॉमिक्स है ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये सब सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं तो आपको समस्या नहीं है समस्या यहाँ है कॉमर्स का जो स्टूडेंट है ना वो यहाँ पे अटक जाता है और 40 परसेंट की अनिवार्यता माफ नहीं हुई है अभी भी यह अनिवार्यता चल रही है और अब चलेगी मुझे लगता है अब हटने वाली नहीं है हालांकि हटनी चाहिए क्योंकि जैसे दूसरे सब्जेक्ट में हट रही है है ना तो यहाँ पे एक मिनिमम क्राइटेरिया रहना चाहिए लेकिन यस फोर्टी परसेंट के हिसाब से स्टूडेंट जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं बट चलो ठीक है देखा जाए तो सही भी है ये जो क्वालिफाई करेंगे वो होंगे तो अल्टीमेटली कॉमर्स के ही तो इनको बेसिकली बेस्ट कैंडिडेट चाहिए और इस बार ऐसा वैसे भी अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो भर्ती है वो एक अच्छी बड़ी भर्ती होगी और अच्छे खासे पद तीन सौ सौ पद जो है वो कम से कम आएंगे इसके बारे में हम लोगों ने वीडियो भी बनाया है है ना आप पीछे हमारी प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस में जाके देख सकते हैं फर्स्ट ग्रेड के हमने काफी सेशन लिए हैं और बताया है पूरी कैलकुलेशन करके बताया है कि कितने पद पर यह भर्ती जो है वो आ सकती है तो सबसे पहले अच्छा अभी एक बहुत बड़ा परिवर्तन क्या हुआ था परिवर्तन ये हुआ था कि जो साइकोलॉजी आपकी यहाँ आती थी ये 150 नंबर में भी 150 नंबर में भी दो तरीके बाइफर्गेशन थे इसमें जो प्योर सब्जेक्ट था आपका वो 120 नंबर का ही था और आपका जो तीन है है ना जो थर्टी नंबर थे वो कुछ अदर सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड कर रखे थे जिसमें साइकोलॉजी भी आता था जिसमें आईसीटी भी आता था सारी चीज़ें आती थी लेकिन इन्होंने इसमें से इसमें से साइकोलॉजी को निकाल कर यहाँ डाल दिया है तो जिन स्टूडेंट के साइकोलॉजी बहुत अच्छी है उनके लिए तो एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है कि यार जहाँ पे यहाँ 40 परसेंट मार्क्स नहीं आ पा रहे थे अब साइकोलॉजी का एक सपोर्ट लग जाएगा और सपोर्ट लगने से अब यहाँ पे मुझे लगता है आप लोगों को हेल्प मिलने वाली है है ना तो डरने की आवश्यकता नहीं है लेकिन यह साइकोलॉजी का वेटेज कितना रहेगा इन्होंने यह क्लियर नहीं किया है तो यहां पे पहले पेपर में वैसे भी बहुत सारे सब्जेक्ट आपके होते थे उन सारे सब्जेक्ट को तो देखना ही है अब इसके साथ में आपको साइकोलॉजी को भी देखना होगा है ना तो यहां पे आप थोड़ी सी भी रिस्क नहीं ले सकते बहुत अच्छी तरीके से आपको इन सारे सब्जेक्ट को जो है वो पढ़ना पड़ेगा एक बेस लेवल से आपको जो स्टडी है वो यहां पे करनी पड़ेगी बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है ना अब करना क्या है आपको सबसे पहले तो आप ये देखो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना वो लास्ट चार सालों के आप जरूर देख के जाओ चार सालों के जरूर देखो चार सालों के जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे ना जितने पेपर हुए हैं आपके चाहे वो पेपर कांस्टेबल का हो चाहे ग्राम सेवक का हो चाहे पटवारी का हो चाहे जूनियर अकाउंटेंट का हो चाहे आरएस एग्जाम का हो सारे पेपर देखो वो पेपर देखकर आपको एक आइडिया लगेगा कि क्या क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा है कैसे आपको तैयारी करनी है किस लेवल के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं ऑब्वियसली फर्स्ट ग्रेड के तो प्रीवियस के पेपर सारे ही देखने हैं लेकिन मैं ये कह रहा हूं सारे एग्जाम के जितने एग्जाम हुए हैं ना उन सारे एग्जाम्स के पेपर्स जो है वो बहुत अच्छी तरीके से आप लोग देख लो और देखने के बाद में आप पढ़ाई जो है वो स्टार्ट कर दो जैसे मान लीजिए आपने हिस्ट्री सब्जेक्ट स्टार्ट किया आपने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट या सब्जेक्ट स्टार्ट किया तो आप दो सब्जेक्ट को यहां से उठा लो और एक सब्जेक्ट आप यहां से उठा लो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन करके जो है वो अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हो सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट के लिए आप चाहे तो नाइन्थ से लेकर ट्वेल्थ तक की जो एनसीईआरटी की किताब है उन्हें रेफर कर सकते हो बट मैं रेफर ही कहूँगा बहुत ज्यादा आप डिपेंडेंट उन पे नहीं रह सकते उसका रीजन यह है कि जैसे मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ तो इकोनॉमिक्स में काफ़ी सारी जो चीजें हैं वो बहुत शॉर्ट में इन्होंने खत्म कर दी है लेकिन वो डिटेल में आ सकती है एक छोटा सा एग्जांपल दो, दो का आप पेपर उठा के देखना विदेशी व्यापार से फॉरेन ट्रेड से कैसे क्वेश्चन आए हैं फॉरेन ट्रेड में विदेशी व्यापार की जो अलग अलग थ्योरीज होती है उन थ्योरीज से क्वेश्चन आ गए हैं लेकिन जब हम इंडियन इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था की जो क्लास ट्वेल्थ की किताब है उसे देखते हैं तो वहां तो ये थ्योरी है ही नहीं ऐसे कई सारे उदाहरण में आपको देके बता सकता हूं तो अगर आपका यह प्रश्न है कि सर क्या के हमारी रेफरेंस बुक बहुत जल्दी आपको मार्केट में मिलेगी जो कि फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स सब्जेक्ट की होगी जिसे हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा बनाया जा रहा है उस पर काम चल रहा है बहुत जल्दी वो आप लोगों को मिलने वाली है लेकिन फिलहाल तो मैं बस यही कहूंगा कि ये जो नाइन्थ से लेकर ट्वेल्थ तक की एनसीईआरटी है वो ले लो या कोई भी रेफरेंस बुक आप ले सकते हो ग्रेजुएशन भी आपने करी है पीजी भी आपने करी है बुक्स तो मेजर लगता है आप लोगों के पास में होगी वहां से डिटेल स्टडी करते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है अकाउंटेंसी की बात करते हैं फर्स्ट ईयर में, में मेरे हिसाब से आपके अकाउंटेंसी आती होगी बी में वो बुक अगर आपके पास में होगी आप पढ़ना शुरू करो स्टेटिस्टिक्स की अगर आपके पास बुक होगी जो टॉपिक आपके सिलेबस में है पूरी स्टेट्स नहीं है जो टॉपिक है वो पढ़ना स्टार्ट करो स्टैटिस्टिक्स तो आपके डबल इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब्जेक्ट में भी स्टेटिस्टिक्स है और फर्स्ट पेपर में भी आपके स्टेट्स है तो आप उस तरीके से जिसका वेटेज ज्यादा है जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं ऑब्वियसली वो तो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वहां से आप सब्जेक्ट जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं बाकी सब्जेक्ट के लिए आप रेफरेंस लेना चाहें तो हमारा जो लेटेस्ट बेच बैच, बैच है फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स का वो आप ले सकते हैं फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स में भी पिछली बार कई सिलेक्शन दिए थे राजस्थान का जो फोर्टीन नंबर का टॉपर था अशोक गहलोत जी तो जो जोधपुर से है, है ना सी नहीं स्टूडेंट है हमारे जो सेलेक्ट हुए थे उसके अलावा भी कई सिलेक्शन थे और इससे पहले भी कई सिलेक्शन हमने दिए हैं तो सिस्टमेटिक तरीके से जो बैच है वो हमारी चल रही है अकाउंटेंसी डॉक्टर रजत खंडीलवाल पढ़ा रहे हैं जिनके कई वीडियोज़ आप इस चैनल पर देख सकते हैं या देखे हुए होंगे जो लास्ट दो से ही इस वैकेंसी में पढ़ा रहे हैं और सेम इकोनॉमिक्स भी मैं हम लोग साथ में ही पढ़ा रहे हैं दो में दो में हम लोगों ने फर्स्ट रैंक तक दी हुई है और सौ से ज़्यादा सिलेक्शन हम ऑफलाइन में दे चुके हैं ऑनलाइन बस अभी दो तीन चार साल से स्टार्ट हमने किया है तो डेफिनेटली आप लोग हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को एक बेहतरीन आयाम जो है वो दे सकते हैं और बिजनेस की काफी सारी क्लासेस बिजनेस की क्लास जो है वो आपको ललित सर जो है वो पढ़ा रहे हैं जो पिछली बार आ, डबल में पहुंच गए थे लेकिन आ, कट ऑफ में थोड़े से नंबर से जो है वो रह गए तो नंबर नहीं आ पाया तो एक अच्छा खासा अनुभव है उनके पास भी आप लोगों को पढ़ाने का तो उनके साथ जुड़कर डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप लोग इस बार अपना सलेक्शन कैसे से पास करना है क्या करना है बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं ये जो कोर्स है ये पूरी तरीके से बाइलेंगवल रहता है हम लोग बायलैंगल ही कहते हैं नोट्स भी आपको बायलैंगल देते हैं वीडियोज एमसीक्यूज काफी सारे रहेंगे ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ ये आप फॉलो कर सकते हैं बाकी जीके का मैंने आपको बता दिया है जीके में अगर आप घर से ही पढ़ना चाह रहे हैं तो आप कोई ना कोई ऐसी कोचिंग को ढूंढिए जहां पे बहुत अच्छे वीडियोज़ जो हैं वो हैं एक बहुत अच्छा सिस्टमेटिक कोर्स मिल जाए हमारी एक्सपर्टीज़ उसमें नहीं है तो हम उसके लिए रेफर नहीं करेंगे लेकिन हाँ आप किसी भी किसी भी ऑनलाइन कोचिंग को सर्च कर सकते हैं जैसे मैं जिनको जानता हूं लक्ष्य क्लासेस उदयपुर के नाम से है बहुत अच्छा काम है उनका बहुत अच्छी फैकल्टी टीम है उदयपुर में भी ऑफलाइन बहुत अच्छा चलता है तो आप फर्स्ट पेपर के लिए उनको रेफ़र कर सकते हैं अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है वहां जो फैकल्टीज है कई सालों से पढ़ा रही उनको पता है किस एग्जाम में कहां से क्या पूछा जाता है तो यो काम वहां से हो जाएगा इसमें भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को चार साल को देखो आपको एक आइडिया हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो चैप्टर होते ही क्योंकि एमसीक्यू के द्वारा ही आपको पता पड़ता है कि कैसे इस एग्जाम को क्रैक करना है बाकी सब्जेक्ट के लिए मैंने आपको थोड़ा बहुत हिंट जो है वो दे दिया था एक और हम लोग एनालिसिस करेंगे जहां पे सब्जेक्ट वाइज किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके बारे में भी डेफिनेटली हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं डन है तो मुझे लगता है सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी बाकी अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो कॉमर्स से संबंधित जितनी भी वैकेंसी आती है बढ़ती आती है पूरे इंडिया में है ना उनकी डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर रेगुलर बेसिस से मिलती रहती है यूट्यूब में जितने एमसीक्यू सेशंस होते हैं उन सभी की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे ही मिलती है रेगुलर बेसिस पे पोल हम करवाते रहते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस चलती रहे तो बिल्कुल आप इस यहाँ इससे जुड़ जाइए तो बस एक छोटा सा सेशन आप सभी के सामने में लेकर आया था होप्स आप सभी को यह सेशन अच्छा लगा होगा कोई भी डाउट है तो जो हमारा नंबर है नाइन टू थ्री जीरो थ्री जीरो थ्री इस पर आप कॉल करके अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो आप पूछ सकते हैं ये आपके सामने नंबर है तो इस नंबर पे आप कॉल करके अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो आप ले सकते हैं नंबर आपके सामने ये आपको दिख रहा होगा मेरे हिसाब से नंबर सभी को नाइन फाइव एट सेवन टू थ्री जीरो थ्री जीरो थ्री इस पर कॉल करके आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं ओके गाइज तो चलिए फिलहाल इस सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और मिलूंगा फिर से कुछ ऐसे ही अपडेट के लिए तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद वंदे मातरम